गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, जो कि है आपका बुक बी का चैप्टर। ओके, पेज नंबर 108 पर। ओके, अब जो चैप्टर नंबर 6 है वो बेसिकली है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। सो बेसिकली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूरल एरियाज, मतलब विलेज एरियाज। ओके, अब थोड़ी दिन पहले ही हमने पंचायती राज सिस्टम यानी कि बुक ए का चैप्टर पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा था कि पंचायत जो पंचायत जो होती है वो किस तरह से काम करती है, उनका क्या क्या काम, कौन कौन चीजें उनके अंडर आती है। सो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वाल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ पे जो जो भी सरकार गवर्नमेंट जो बॉडी है उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वहाँ पे किस टाइप के डिस्प्यूट्स, यानी किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस गांव वालों को फेस करनी पड़ती है, कौन कौन से उनके गांव विद इन विलेजेस कौन कौन से मुद्दे होते हैं, क्या क्या चीजें जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर में हमें जानेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन रूरल एरियाज। पुलिस यहाँ पर गांव में है ना, विलेज एरिया में पुलिस किस तरीके से या क्या रोल रहता है पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। कि जैसे कि आपकी अगर हम एक्टिविटी फर्स्ट के बारे में देखें तो वहां पर ये देखा गया है कि दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें एक पर्सन ये बोल रहा है कि ये मैं एक पर्सन बोल रहा है कि जमीन मेरी है, दूसरा पर्सन यही बोल रहा है कि ये जमीन भी मेरी है। ओके, सो तो उसमें से जो जो एक पर्सन है जो कि काफी अच्छा वेल्ड उसने कपड़े पहन रखे हैं, तो उसने क्या करा है, उसका सामने वाले से मारपीट कर ली है। सो उस केस में क्या करना चाहिए एक पर्टिकुलर इंसान को, कि अगर आपके से मारपीट हुई है, अभी से मुद्दा हो गया, तो आप क्या कहाँ अप्रोच करेंगे, आप कहाँ अप्रोच करेंगे, आप करेंगे पुलिस स्टेशन। आपको पुलिस स्टेशन में जाकर हमें कंप्लेंट करनी है सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट, देखिए हमारे बीच में ये विवाद हुआ था जिस वजह से सामने जिससे किसी से भी विवाद हुआ था उसने हाथापाई करी जिससे मुझे ये चोट आई। अगर और फिर पुलिस पूछे कि किस बेसिस किस लिए आपने आपका लड़ाई या झगड़ा हुआ, तो आप बताएंगे कि बेसिकली हमारे बीच में दो लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है, लैंड का डिस्प्यूट है जमीन से लेके कोई विवाद चल रहा है, एक बोल रहा है कि वो जमीन मेरी है, सामान बोल रहा है वो जमीन भी मेरी है, इस वजह से हमारे बीच विवाद हुआ, एज ए रिजल्ट उसने से हाथापाई करी। अगर आपके पास अगर आपका वहां ऑब्वियसली बात है जब पुलिस कंप्लेंट जाओगे तो आपसे प्रूफ मांगेगा कि क्या प्रूफ है कि वो जमीन आपके पास आपकी है, तो आपको वो सारे रिकॉर्ड्स लेके जाने पड़ेंगे जिसमें ये मेंशन हो कि जमीन आपकी है, तभी पुलिस आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करेगी। ओके, तो गांव में सबसे ज्यादा ऑफन डिस्प्यूट्स या जो मुद्दे या विवाद जो होते हैं गांव में सबसे ज्यादा होते हैं जमीन को लेकर। ओके, जमीन की बाउंड्रीज को लेकर है या जमीन के किसी हिस्से को लेकर। ओके, सो बेसिकली लैंड डिस्प्यूट्स अराइज इन विलेज, मेजर लैंड डिस्प्यूट्स इन विलेज आर ऑफन रिफर्ड टू द पुलिस फॉर सेटलमेंट। ज्यादातर जितने भी लैंड डिस्प्यूट होते हैं जमीन से लेकर जितने भी विवाद होते हैं विलेज में सबसे ज्यादा होते हैं, और जितने भी जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं गांव के उनको पुलिस स्टेशन में ही रिफर किया जाता है, वहीं सेटलमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूफ कि किसकी वो लैंड है। तो एक या तो पंचायत में जाके अप्रोच कर सकता है या फिर वो पुलिस स्टेशन, दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो वो पंचायत जो उनकी जिला पंचायत होती है सॉरी जो उनकी पंचायत होती है गांव की पंचायत वहां जाकर वो अपने प्रॉब्लम्स इश्यूज को बोल सकता है या फिर वो पुलिस स्टेशन भी जा सकता है ना। सो हम पहले ही पढ़ चुके पंचायत सिस्टम या पंचायती राज जो हमने पढ़ा था कि उसमें पंचायत जो होती है अपनी सभाएं लगाती, तो वहां पे वो जो भी डिस्प्यूट होता है उनको भी वो रिजॉल्व करती है। अब हमें ये देखना है कि पुलिस स्टेशन में कैसे कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है। जैसे कि ए रिपोर्ट ऑन द लैंड डिस्प्यूट सर्टिफाइड एट द पुलिस स्टेशन अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन द कंप्लेंटेंट्स लोकेलिटी इज एंड नॉट एट एनी अदर पुलिस स्टेशन। सबसे पहले आपको उसी थाने में या उसी पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लॉज करवानी होगी जिस क्षेत्र में या जिस एरिया में वो पुलिस स्टेशन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर गांव में रहते हो तो आप उसी गांव के पुलिस स्टेशन में ही आप रिपोर्ट लॉन्च करवा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे गांव में जाके इस कंप्लेंट लॉन्च करवा रहे, हो सकता है कि आपका गांव अलग हो, मतलब आपके गांव जहां आप रहते हो वो अलग हो, आपकी जमीन किसी दूसरे गांव में हो, तो उसी जिस
जिस गांव में आपकी जमीन है आप वहां के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने अपने गांव में आके कंप्लेन करो कि जहां भी जिस भी क्षेत्र में या जिस भी एरियाज में आपको आपके डिस्प्यूट लैंड डिस्प्यूट चल रहा है आप उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेन लॉज कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन जब कंप्लेन करने जाएंगे तो आपके साथ सारे वैलिड प्रूफ लेके जाने पड़ेंगे, जिसमें ये मेंशन हो कि ये जमीन आपकी है, तभी जाके आपकी कंप्लेन लॉज होगी यानी आपकी कंप्लेन एक्सेप्ट की जाएगी पुलिस स्टेशन में। और अगर आप कंप्लीट वैलिड प्रूफ लेके नहीं जाते हैं तो आपकी कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, हाँ अगर आपके पास सारे वैलिड प्रूफ है तो फिर पुलिस भी डिनाई नहीं कर सकती आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करने से। ओके, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए पुलिस फोर्स, यहाँ हमारे इंडिया स्टेट हर एक राज्य में की एक पुलिस फोर्स प्रेजेंट है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, उनका काम क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, उसके साथ साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना, और अगर कोई कोई क्राइम होने वाला है तो उसे रोकना, और अगर कोई क्राइम हो चुका है तो जो जिस किसी ने भी वो क्राइम कराया है उसको अरेस्ट करना। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन टू कैरी आउट एन इंक्वायरी टेक एक्शन ऑन द केस विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन, और ये पुलिस वालों की ड्यूटी भी होती है कि अगर उनके एरियाज में है, उनके सीमा क्षेत्र में और ये सभी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर जो वहाँ पे वर्क करते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि अगर कोई उनके एरिया में उनके सीमा क्षेत्र में कोई भी क्राइम होता है या कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे वो रिजॉल्व करें। बिफोर द पुलिस कैन बिगिन एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द केस और टेक एनी एक्शन ऑन इट अ रिटन कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड विद द पुलिस, अब पुलिस जब तक एक्शन नहीं लेगी जब तक आप एक रिटन कंप्लेंट लिख के नहीं देंगे। ओके, जिसको कि FIR कहा जाता है या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, अगर आप इफ समवन इज नॉट एजुकेटेड तो ओवरऑल भी अपनी कंप्लेंट लॉज करवा सकता है, बट लेकिन जब तक FIR नहीं होती है तब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेगी या इंक्वायरी नहीं करेगी। FIR को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। हर एक जो पुलिस स्टेशन है वो कंट्रोल आता है अंडर द स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको कि SHO कहा जाता है। ओके, उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का हेड, ओके, इसको क्या कहा जाता है SHO। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाउ आर लैंड रिकॉर्ड्स मैनेज अक्रॉस द कंट्री, हमारे देश में जो डिफरेंट विलेजेस हैं वहां पर लैंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किया जाता है। जब अगर हम किसी भी विलेज में जाते हैं तो वहां पर जो खेत होते हैं किसी में जहां सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होता है तो वहां पर हमने देखा है कि कोई स्पेसिफिक बाउंड्री बनी हुई नहीं होती है ना, एक खेत दूसरे खेत से जुड़ा हुआ होता है, बीच में हल्की सी छोटी सी बाउंड्री जिसकी वजह से काफी डिस्प्यूट होते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस में से कोई खास फेंसिंग नहीं की जाती जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि खेत किसका है किसका नहीं है। ओके, और इसी वजह से शायद सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं। ओके, अब होता क्या है इसमें कभी कभी कोई पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है किसी दूसरे के खेत का हिस्से को भी अपने खेत के अंडर में लेने की कोशिश करता है जिसकी वजह से आगे जाके डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं। ओके, जैसे कि आप पेज नंबर 109 पे देख सकते हैं इमेज बनी हुई है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर वो फेंसिंग कर रखी है बहुत सारे पीपल्स ने। इससे होता क्या है कि हमारी जो जमीन है आपने बेसिकली पटवारी जो होता है एक ऑफिसर होता है वो विलेज वो आपके खेतों की एरियाज नाप के जाता है जिसके बाद आप फेंसिंग करवा सकते हैं जिससे क्या अपने ऑथराइजेशन कर सकते हैं जिससे कोई दूसरा पर्टिकुलर पर्सन आपके खेत में एनक्रोचमेंट या फिर आपके खेत में अतिक्रमण नहीं कर सकता। बट अगर मोस्ट ऑफ द विलेजेस में ऐसा ही होता है कि कोई प्रॉपर फेंसिंग नहीं होती जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाते हैं। अब सच लैंड डिस्प्यूट्स ओवर लैंड आर यूजुअली सेटल्ड बाय विलेज सरपंच विद द हेल्प ऑफ द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर एंड द पुलिस। अब जैसे कोई डिस्प्यूट्स होता है कि कोई इंसान किसी दूसरे के खेत में कब्जा करना चाहे तो उसमें कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी इन्वॉल्व होती है, सरपंच होती है, पंचायत के मेंबर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होता है जिसको पटवारी कहा जाता है एंड द पुलिस, ये तीनों मिलकर उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो इसमें
हम पटवारी के बारे में जानते हैं कि पटवारी कौन है। ये बेसिकली पटवारी इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल ऑफ द विलेज लेवल। एक पटवारी जो होता है वो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता है एट विलेज लेवल। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है लैंड को मेजर करना और उस लैंड को मेजर करके साथ साथ उसका अपना खुद का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है कि जमीन इतनी स्क्वायर फीट या जैसे बीघा होती है इतनी पोर्शन इस पर्टिकुलर पर्सन की है, इसके बाद से इस दूसरे पर्सन की, ये सारे रिकॉर्ड्स वो खुद मेंटेन करके रखता है। अब पटवारी को इंडिया में अलग अलग नेम्स से जाना जाता है। कुछ लोग लेखपाल के नाम से जानते हैं, अलग पार्ट्स में कानूनगो, कर्मचारी, इन नामों से अलग अलग विलेजेस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज है वहां पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब ड्यूटीज क्या है एक पटवारी की? मेजरिंग एरियाज ऑफ लैंड इन द विलेज यूजली विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग चेन और रोप। बेसिकली इनका जो इनका जो मेजरिंग करने का जो वो रहता है, इनका बेसिकली काम करता है, इनको लैंड एरिया मेजर करना है तो वो बेसिकली या तो रस्से से नापते हैं या फिर जो उनके पास एक चेन होती है और जो कि पटवारी की मेजरिंग चेन होती है उसी से वो मेजर करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, उसके साथ साथ लैंड से जो टैक्स कलेक्ट करना होता है जो तभी जो रिवेन्यू होता है उसको ऑर्गेनाइज करना, ओके। फिर उसके बाद में रिकॉर्ड करना है ना कि कितनी जमीन किसकी है। और आपने देखा हो कल के पटवारी इंस्पेक्शन में भी आते हैं, वो ये देखने कि आपने अपने लैंड में कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी है, कितने लैंड पे, पूरे लैंड पे क्रॉप्स ग्रो करी, क्या आधे लैंड पे या कुछ पोर्शन छोड़ दिया गया। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कौन करता है? पटवारी करता है, जो कि लैंड मेजर करता है, उनका रिकॉर्ड रखता है, टैक्स कलेक्शन का भी वो रहता है कि किसको कितना टैक्स पे करना है पटवारी ही डिसाइड करता है एज पर द लैंड रिक्वायरमेंट्स। और उसके साथ साथ कौन सी क्रॉप्स कितनी उन्होंने ग्रो करी है ये रिकॉर्ड भी यही मेंटेन पटवारी मेंटेन करता है। अब इसके साथ साथ ये कोलैबोरेट करता है जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जो टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है वहां पर ये जाके रिपोर्ट करता है ताकि वो वहाँ पर रिपोर्ट दे सके कि फार्मर्स ने ये वाली क्रॉप्स ग्रो करी है, इतना इसका टैक्स बनेगा, इसने क्रॉप्स ग्रो करी है, पूरी ग्रो करी है कि नहीं, या फिर इसने क्रॉप चेंज तो नहीं कर दी। ये सारे रिकॉर्ड्स वो पटवारी मेंटेन करता है। एंड ऑल्सो मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द लैंड रिकॉर्ड व्हेन लैंड्स गेट डिवाइडेड अमंग फार्मर सक्सेसर। और इन फ्यूचर कभी भी जब किसी फार्मर्स के बच्चे होते हैं तो उनमें जब लैंड डिवाइड जमीन का बंटवारा किया जाता है तो उसका रिकॉर्ड भी वो मेंटेन करके रखता है, हालांकि अपडेट करके रखता है, ओके। सिंस पटवारी मेंटेन्स ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ विलेज व्हिच आल्सो इंक्लूड्स अ मैप ऑफ दैट एरिया, केसेस रिलेटेड टू द लैंड डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड विद हिज और हर हेल्प। इसके साथ साथ वहां पर जो पटवारी होता है वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर, इसके साथ साथ वो एक मैप भी बना के देता है जिसमें वो मेंशन करता है कि आपकी जमीन ये वाली है, इसके आसपास ये वाली रोड जा रही है, इसके पास में इसकी जमीन है, इसके पास में इसकी जमीन। बेसिकली इसको खसरा प्लान कहा जाता है, खसरा कहा जाता है। बेसिकली एक रफ मैप होता है जो कि पटवारी के थ्रू बनाया जाता है और उसी की हेल्प से पटवारी जो होते हैं पुलिस की हेल्प के साथ बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। टू ऑब्टेन दिस डॉक्यूमेंट ए फार्मर हैज टू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस। और अगर उसको कभी एक फार्मर को अगर कभी खसरा प्लान की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको पटवारी को कुछ फी पे करनी रहती जब जाके उसको खसरा प्लान मिलता है। यूजुअली फार्मर्स हैव टू वेट फॉर आवर्स और इवन डेज टू गेट एन अप्रूवल टू रिसीव देयर लैंड रिकॉर्ड्स। कभी बहुत से समय बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि फार्मर्स को बहुत सारे दिनों का वेट करना पड़ता है जस्ट कि उन्हें अप्रूवल चाहिए रहता है अगर उनके अपना लैंड रिकॉर्ड्स अगर निकलवाना है किससे, पटवारी से। तो टू अवॉइड सम डिफिकल्टीज दैट नाउ द रिकॉर्ड्स आर नाउ बीन कंप्यूटराइज। अब इन डिफिकल्टी जो फार्मर्स को परेशानी होती थी, कभी कभी बहुत दिन लग जाते थे, दिन लग जाते थे अपने लैंड रिकॉर्ड्स या खसरा मैप को निकलवाने के लिए, तो इसीलिए आजकल सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड कर दी हैं, ऑनलाइन कर दी है। फार्मर्स ऑनलाइन बहुत इजीली निकलवा सकते हैं अपना लैंड रिकॉर्ड्स। टू अवॉइड सच डिफिकल्टीज द रिकॉर्ड्स आर नाउ बीन कंप्यूटराइज्ड इन द डिजिटाइज्ड फॉर्मेट, ईच लैंड रिकॉर्ड इज असाइंड ए स्पेसिफाइड नंबर। अब इस वजह से आजकल अगर आपने कभी अपने फैमिली मेंबर्स से या अपने जो फादर से भी पूछना कि हमारे लैंड रिकॉर्ड में कुछ वो नंबरिंग कर देते हैं ना, जैसे कि हाउस नंबर्स होते हैं सिटीज में, वैसे ही विलेजेस में लैंड के नंबर होते हैं 76/2 और 76/4, जो भी वहाँ पे आपके लैंड पर जो नंबर करते हैं वैसी नंबरिंग करते हैं जिससे कि बहुत ईजिली किसी लैंड को पहचानने में आसानी है और बहुत ईजिली पब्लिक
को आजकल कंप्यूटराइज हो जाने से बहुत इजीली पब्लिक एक्सेस कर सकती है। दिस डिजिटाइज डॉक्यूमेंट कंटेन डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द तहसीलदार, और इन डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं तहसीलदार के यानी जिला अधिकारी के, जिसके थ्रू आप उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकलवा के कहीं भी जहां पर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं भी आपको लगाना हो डॉक्यूमेंट्स आप वो लगा सकते हैं। इट कैन बी वेरीफाइड इजिली। They help to monitor the land distribution in village and can be seen as a tool to empower property owners. This recorder also kept at a panchayat office so that farmers can easily update details of their land and the records without any difficulty. इसके साथ साथ ऐसी एक रिकॉर्ड पंचायत में भी भेजा जाता है ताकि इन फ्यूचर या फिर फार्मर्स को ऐसा लगता है कि उसे कुछ अपडेट करवाना, बंटवारा करवाना है अपने संग अपने बच्चों के बीच में, तो वहां पर पंचायत में जाके अपने लैंड रिकॉर्ड्स के थ्रू वो जमीन का बंटवारा भी बहुत ईजिली करवा सकता है, उसको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत इजीली उसका काम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमने आज जो पढ़ा है वो हमने पटवारी के बारे में पढ़ा, और जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम होता है, कौन कौन से ऑफिसर्स काम करते हैं, इनके बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट ओके जिला कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अभी हमने विलेज के बारे में पढ़ा, एक गाँव के बारे में पढ़ा, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक डिस्ट्रिक्ट कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।